Right here. Thank you. Doctor, ये सच है कि ज़ेब्रा और काली घोड़ी के संयोग से पट्टेदार घोड़ी पैदा हो सकती है? हाँ, हो सकती है. और क्या ये भी सच है कि वही पट्टेदार मादा दूसरे काले घोड़े से संयोग के बाद पट्टेदार बच्चा पैदा कर सकती है? हाँ, सही है. मतलब किसी खास परिस्थिति में काले घोड़े का पट्टेदार बच्चा हो सकता है एंड वाइस वर्सा. हाँ, हो सकता है. यानी बच्चा अगर पिता जैसा दिखे उससे कुछ साबित नहीं होता. मतलब ये कभी साबित नहीं होता कि बच्चे का पिता कौन है. आप विदुर हैं, है ना? जी. आपके बच्चे हैं? हैं. पिता बनकर आपको अपनी स्थिति हास्यास्पद नहीं लगती? एक बाप अपने बच्चे के साथ टहलने निकले या मेरा बच्चा करके बोले, उससे बड़ा व्यंग और क्या हो सकता है. उसे तो मेरे बीवी के बच्चे बोलना चाहिए. कभी कोई भ्रम नहीं हुआ आपको? कोई संदेह नहीं हुआ? नहीं कैप्टन, मुझे कभी संदेह नहीं हुआ. और जैसे गोयटे ने लिखा है कि हर आदमी को अपनी संतान विश्वासपूर्वक स्वीकारनी चाहिए. विश्वासपूर्वक? जहां औरत का संबंध है. सारी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं कैप्टन. रिसर्च कहता है कि हर औरत एक ही किस्म की होती है. जवानी में मैं ताकतवर था, दिखने में भी बुरा नहीं था. मैं आपको दो ऐसी घटनाएं बताता हूं जिनसे औरत के बारे में मेरी धारणा और भी पक्की हो जाती है. एक बार मैं स्टीमर से सफर कर रहा था. एक शाम डेक पर घूमते घूमते एक खूबसूरत अंग्रेज औरत को देखा. वो अकेली खड़ी रो रही थी. मैंने पूछा तो बताया कि उसका होने वाला पति गिरकर डूब गया है. मुझे उस पर तरस आया. हम बातें करने लगे. थोड़ी देर बाद मैंने उसका पैर छुआ, उसके बाद उसका घुटना. और सुबह होने के पहले ही मैंने उसे शांत कर दिया था. ऐसी बातें तो हो जाती हैं कैप्टन कभी कभी. दूसरी घटना, मैं दार्जिलिंग गया था. वहां भी एक औरत से मुलाकात हुई. जवान, शादीशुदा, अपने बच्चों के साथ थी. उसका पति थोड़े दिनों के लिए बाहर गया था. बड़ी धार्मिक, नेक विचारों वाली महिला थी. मैंने उसे एक किताब दी पहले, बाद में दूसरी. जब लौटने का वक्त आया उसने किताबें वापस कर दी. 3 महीने बाद एक किताब में मुझे उसका एक खत मिला जिसमें मेरे लिए उसने अपना प्यार काफी खुलकर व्यक्त किया था और किसी दिन मिलने का निमंत्रण भी था उसमें. इससे यही सबक मिलता है, किसी औरत पर ज्यादा विश्वास मत करो. और बहुत कम भी नहीं. बिल्कुल सही बात. बस एक हद तक, उससे ज्यादा नहीं. बात यह है डॉक्टर, वो औरत अनजाने में इतनी नटखट थी कि अपने शौहर को बता दिया कि वो मुझसे प्रेम करने लगी है. खतरा इसी बात का है. कोई उत्पात पैदा करने की अपनी प्रवृत्ति को औरत खुद भी नहीं जानती. अब आप कहेंगे कि ये उसके बस में नहीं है, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. कसूर तो उसका है ही. कैप्टन, अपने पर ध्यान दीजिए कैप्टन. इससे पहले कि विचार बीमारी ही बदलें, आप इन पर काबू पा लीजिए प्लीज. अब ये बीमारी वगैरह रहने दो. आपको पता है कि किसी खास टेम्परेचर पर सब बॉयलर फट जाते हैं. सिर्फ हर बॉयलर का विस्फोट बिंदु अलग अलग होता है. खैर, आप तो मुझ पर नजर रखने आए हैं. अगर मैं मर्द ना होता तो मुझे इल्जाम लगाने का हक होता या शिकायत करने का, जैसे कि ये होशियार औरतें करेंगी. औरत होता तो अपनी बीमारी का पूरा इतिहास बताता. पर मैं मर्द हूं और बिना शिकायत किए, बिना सहानुभूति की भीख मांगे सब सहूंगा और मृत्यु को स्वीकार करूंगा सम्मानपूर्वक, एक पुरुष की तरह. गुड नाइट डॉक्टर. कैप्टन, अगर आप अस्वस्थ हैं तो मुझे नहीं लगता सच बताने में आपके पुरुष को कोई क्षति पहुंचेगी. मेरे लिए दोनों पक्ष सुनना जरूरी है. मुझे तो लगा कि एक ही पक्ष सुनना शायद आपके लिए काफी है. नहीं कैप्टन, मेरे लिए जरूरी आप भी मुझे अपने बारे में बताएं.
मैं हर पहलू को हर नजरिए को जांच कर निर्णय पर पहुंचना चाहता हूं। आप देख रहे हैं मैं शांत हूं, आप आराम से जाकर सो जाइए। गुड नाइट। शायद इस मामले में मैं और शामिल नहीं हो सकता कैप्टन। डॉक्टर, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। किसी हालत में नहीं कैप्टन, दुख ये है कि हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। गुड नाइट। आ जाओ, मुझे पता था तुम सुन रही हो। आओ आओ आओ, काफी देर हो चुकी है पर कुछ बातें साफ करना जरूरी है। बैठो। रास्ते में मुझे पोस्टमास्टर मिला, उसने कुछ खत दिए जिनसे साफ जाहिर है कि तुम मेरे भेजे हुए और आने वाले खतों को छिपाती रही हो। इसका नतीजा इतना सारा वक्त बर्बाद हुआ और मेरी रिसर्च की कोई कीमत नहीं रही। मेरा इरादा नेक था, आप इस काम के लिए अपने कर्तव्यों को भूल रहे थे। तुम्हारा इरादा नेक नहीं था, डर था कि किसी दिन मिलिट्री करियर के बजाय रिसर्च में मुझे ज्यादा शोहरत मिलेगी और यह तुम कभी होने नहीं दोगी, क्योंकि ऐसा होता तो तुम छोटी हो जाती। इसलिए मैंने अब तुम्हारे कुछ खत जब्त कर लिए हैं। यह आपका बड़प्पन है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे गुणों को सराहती हो। इन खतों से यह बात साफ है कि तुम मेरे बारे में अफवाहें फैलाकर सब दोस्तों को मेरे खिलाफ कर रही हो और इसमें कामयाब भी हो। उनमें से एक भी मेरे कमांडिंग अफसर से लेकर बावर्ची तक मुझे स्वस्थ नहीं समझता। सच्चाई यह है, मेरा दिमाग तंदुरुस्त है। मैं अपने फौजी कर्तव्य और पिता होने की जिम्मेदारी दोनों अच्छी तरह से निभा रहा हूं। मैं तुम्हारी भावनाओं को जगाने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम्हारी भावनाएं नहीं हैं, यही तुम्हारी ताकत है। मैं तुम्हारे स्वार्थ को जगाऊंगा। और तुम्हारे इस षड्यंत्र का मकसद पूरा हो रहा है। मेरी निर्णय शक्ति धुंधली हो रही है, मेरे विचार भटकने लगे हैं। यह आने वाले पागलपन का संकेत है जिसका तुम्हें बेचैनी से इंतजार है। और अब मैं किसी भी वक्त पागल हो सकता हूं। अब सवाल यह है कि तुम्हारा फायदा किस बात में है, मैं पागल हो जाऊं या स्वस्थ रहूं। पागल हो गया तो फौज से निकाला जाऊंगा, कमाई बंद हो जाएगी, फिर तुम्हारी क्या हालत होगी? अगर मैं मर गया तो तुम्हें बीमे का पैसा मिलेगा, पर अगर मैंने खुद अपनी जान ले ली तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब तुम्हारा फायदा मेरी जिंदगी पर निर्भर करता है, मेरे जिंदा रहने पर, स्वस्थ जिंदा रहने पर। यह क्या एक नया जाल है? जाल मेरा नहीं, तुम्हें ही फैसला करना है। अपने इस जाल से बचना चाहती हो या फंसना? अपनी जान लेने की बात करते हैं, कभी नहीं लेंगे। दावे के साथ कह सकती हो, तुम्हें लगता है कि जिसके जीवन का कोई मकसद न रहे, जिसका अपना कोई नहीं हो, वो जिंदा रह सकता है? तो आपने घुटने टेक दिए? नहीं, ये समझौते का प्रस्ताव है। और आपकी शर्तें? आई
पागल नहीं होना चाहता। मेरे इस शक से छुटकारा दिला दो और मैं लड़ाई छोड़ दूंगा। कैसा शक? इंदु के पिता के बारे में। उसके बारे में शक है? हाँ, मेरे मन में है। तुम ही ने पैदा किया है। मैंने? बूंद बूंद करके शक का जहर तुमने मेरे कानों में टपकाया है और अब वो जहर पहाड़ बनकर सब नेस्तो नाबूद करने जा रहा है। इस शक से मुझे छुटकारा दिला दो और मैं तुम्हें अभी माफ कर देता हूं। बस बता दो सच्चाई क्या है। माफ कर देता हूं किस लिए? उस गुनाह के लिए जो मैंने नहीं किया? अगर मैं कहूं यह सच नहीं है तो आपको यकीन नहीं होगा, फिर भी शक खाता रहेगा आपको। पर अगर कहूं सच है तो आप विश्वास कर लेंगे। शायद आप दूसरी वाली बात ही चाहते हैं। हां, शायद यही चाहता हूं, क्योंकि पहली वाली बात तो साबित नहीं कर सकते पर दूसरी कर सकते हैं। मुझे अपराधी कहना तो आपको अच्छा लगेगा ही, ताकि मुझे बाहर का रास्ता दिखाकर आप बच्ची को अपना बना लें। निरुपमा, पर मैं ऐसी चालाकियां खूब समझती हूं। तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे यकीन हो कि बच्ची मेरी नहीं तो मैं उसे अपना लूंगा? नहीं, मुझे मालूम है। और जब आप ये कह रहे थे कि आप मुझे माफ कर रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे थे। निरुपमा, मुझे बचा लो, पागल मत होने दो। तुम नहीं समझ रही मैं क्या कह रहा हूं। अगर बच्ची मेरी नहीं है तो ना उस पर मेरा कोई अधिकार है ना मैं चाहता हूं। तुम यही चाहती हो ना, या और कुछ? या तुम बच्ची पर भी नियंत्रण रखना चाहती हो और मुझे भी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि मैं कमाता हूं? नियंत्रण? हां, इस जिंदगी और मौत की लड़ाई में इसके अलावा रखा ही क्या है। मुझे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। ये लड़की ही मेरे बाद मेरी जिंदगी थी, अमरता थी, एक ऐसी कल्पना जिसकी जड़ सच्चाई में है। तुम उसे छीन लोगी तो मेरी अमरता को भी नष्ट कर दोगी। जब वक्त था तब हम जुदा क्यों ना हुए? क्योंकि हमारी संतान ने हमें बांध लिया था, पर वो बंधन जंजीर बन गई। कैसे, ये कैसे हुआ? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, पर अब यादें लौटाती हैं। कुश्ती तुत्कारती हुई और अब तुम्हारी चाल साफ दिखाई देती है। हमारी शादी के 2 साल हो चुके थे और हमें संतान नहीं थी। तुम्हें पता है क्यों? याद है एक बार मैं बहुत बीमार था, लगता था मैं जीऊंगा नहीं, और एक स्फटिक जैसे स्वच्छ क्षण में दीवान खाने से कुछ आवाजें सुनी। वहां तुम वकील साहब से मेरे जायदाद के बारे में चर्चा कर रही थी। कुछ जायदाद तब भी बची हुई थी मेरे पास। वकील साहब ने पूछा, क्या आप गर्भवती हैं? अगर नहीं तो आपको जायदाद का कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम्हारा जवाब मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं ठीक हुआ और हमें संतान हो गई। कौन है उसका पिता? आप? नहीं, मैं नहीं। एक अपराध यहां खड़ा हुआ है
धीरे धीरे नजर आने लगा है और कितना राक्षसी अपराध, कपट और चोरी का सबसे भयानक रूप है ये। 17 साल मैंने अपनी जिंदगी बंधुआ गुलाम बनकर मिटा दी है तुम्हारे सुख के लिए, इंदु के सुख के लिए, ये समझकर कि वो मेरी बच्ची है और अपनी बेटी की जिंदगी के जरिए हम अपने जीवन की संध्या सुख से जिएंगे। पर तुमने सब तबाह कर दिया है। अचानक लगता है इतने साल मैं एक ऐसे गुनाह की सजा भुगत रहा था जो मैंने किया ही नहीं। इसके बदले तुम मुझे क्या दे सकती हो? आप सचमुच पागल हो गए हैं। यही तो तुम चाहती हो, उम्मीद करती हो अपना कपट छिपाने के लिए। बताओ क्या कर सकती हो? क्या कर सकती हूं? इस दुनिया में जो कुछ पवित्र है उस सब की और भगवान की सौगंध खाकर मैं कहूंगी कि आप इंदु के पिता हैं। उससे अब क्या भला होगा? खुद कह चुकी हो कि संतान की खातिर मां कुछ भी कर सकती है और वो उसे करना चाहिए। देखो निरुपमा, पुरानी यादों की खातिर मुझे सब बताओ, सच सच बताओ। देख रही हो कितना लाचार हूं मैं। भूल नहीं सकती पल भर के लिए भी कि मैं एक मर्द हूं, एक ताकतवर फौजी अफसर हूं। मैं तुमसे दया की याचना कर रहा हूं। लो ये पुरुष, ये ताकतवर फौजी अफसर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करता है, अपना अधिकार, अपनी सत्ता त्यागता है। मुझे माफ करो, मुझे जिंदगी की भीख दो। आप रो रहे हैं? होकर भी रो रहा हूं, क्यों नहीं? मर्द को यातना नहीं हो सकती, एक फौजी अफसर रो क्यों नहीं सकता? क्योंकि ना मर्दी की निशानी है। क्यों है ना मर्दी की निशानी? रो मेरे बच्चे, मन भर के रो लो। तुम्हारी मां तुम्हारे पास मौजूद है, याद है? मैं तुम्हारे जीवन में आई जैसे दूसरी मां बनकर। तुम्हारा सुडौल और मजबूत शरीर डरा हुआ था, तुम एक बड़े बच्चे की तरह थे जो इस दुनिया में बहुत देर से आया था और जिसके आने से किसी को खुशी नहीं थी। ऐसा ही हुआ शायद। अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध पैदा हुआ मैं, इसलिए मुझ में इच्छा शक्ति नहीं रही। जब तुम और मैं एक हुए तो सोचा अब संपूर्ण हो गया हूं, मैंने तुम्हें राज करने दिया, तुम्हारा हुक्म मानता रहा, तुम्हारी छाया में पलता रहा, जैसे मैं तुम्हारा ही एक निरीह बच्चा था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, और मैंने आपको अपने बच्चे की तरह ही प्यार किया। पर पता है, शायद आपका ध्यान गया होगा, जब भी मेरे लिए आपके मन में चाह उभरी और एक प्रेमी की तरह आप मेरे करीब आए तो पहले मुझे आनंद का उन्माद होता,
सुख के चरम पर दुख का अनुभव होता, उसके बाद मेरा मन क्षोभ और ग्लानि से भर जाता, लगता जैसे मां प्रेमिका बन गई हो। मैंने सब देखा निरुपमा, पर उसका अर्थ समझ नहीं पाया। लगा मेरे पौरुष में कुछ कमी है, इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। वही तुम्हारी गलती थी, मां तुम्हारी मित्र थी, पर स्त्री दुश्मन। नर और नारी का प्यार एक जंग है, और ये मत सोचना कि मैंने अपने आप को समर्पित किया। मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिया, छीना, जो भी मैंने चाहा। पर तुम जीते। नहीं, प्रभाव हमेशा तुम्हारा ज्यादा रहा। तुम मुझे इस तरह मोह लेती कि न मैं कुछ देख सकता न ही सुन, सिर्फ तुम्हारा हुक्म मानता। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती थी, कोई भी गुनाह, कोई भी अपराध। तुम्हें बुद्धि तो थी नहीं, इसलिए मेरी सलाह मानने की बजाय मनमानी करती रही। जब मैं चेता तो पाया मेरा सम्मान खंडित हो चुका है, और मैं उसे वापस प्राप्त करना चाहता था किसी अहम कार्य से, शूर कार्य से, किसी उपलब्धि से, या सम्मानपूर्ण आत्महत्या से। मैंने लड़ाई पर जाना चाहा, पर तब जंग जारी नहीं थी, मैं विज्ञान में खो गया। और अब जब अपनी मेहनत का फल तोड़ने को हाथ उठाया, तुमने उसे काट दिया। मेरा सम्मान नष्ट हो गया है, और मैं जीने के लायक नहीं रहा हूं। सम्मान के बिना मर्द मुर्दा हो जाता है। और औरत, सम्मान बिना औरत जिंदा रहती है? हां, उसकी अपनी संतान होती है, पर मर्द की नहीं। इसके बावजूद तुम, मैं, सब स्त्री पुरुष जीते रहे हैं नादान बालकों की तरह, आदर्शों का, कल्पनाओं का, भ्रम का सहारा लेकर। काश। रात काफी हो चुकी है, मैं चलती हूं। अपना कल्पना विलास कल के लिए रखिए। एक बात, और ये कल्पना विलास नहीं है, तुम मुझसे नफरत करती हो। हां, कभी कभी जब आपके अंदर का पुरुष आप पर हावी हो जाता है। यानी जब मैं मर्द होता हूं तब मुझे घृणा होती है। स्त्री पुरुष, इस लड़ाई में एक को नष्ट होना ही होगा। किसको? दुर्बल को। और बलवान हमेशा सही है? हमेशा, क्योंकि उसके पास बल है। तो फिर मैं सही हूं? तुम्हारे पास बल है? हां, और कल कानूनी तौर पे भी होगा, जब आपको सर्टिफाई किया जाएगा। सर्टिफाई? हां, उसके बाद बच्ची को मैं पालूंगी, आपको सुने बगैर, जिस तरह मैं चाहती हूं। मेरे जाने के बाद धन कहां से लाओगी? आपका पेंशन। किस बूते पर मुझे पागल सर्टिफाई करा सकती हो? उस खत के बूते पर जिसकी एक प्रमाणित प्रति अथॉरिटीज के पास है। खत? आपका, जिसमें आपने डॉक्टर को लिखा है कि आप पागल हो गए हैं। एक पिता और रोजी रोटी कमाने वाला पुरुष, आपके ये दोनों काम पूरे हो चुके हैं, अब आपकी जरूरत नहीं। अब तो आपको एहसास हुआ
कि मेरी बुद्धि उतनी ही प्रखर है जितनी मेरी इच्छा शक्ति, और चूंकि आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, आप जा सकते हैं। औरत! उन्होंने चाबियां दी? चाबियां दी? ना ना, वो रामप्रसाद उनके कोट को प्रेस कर रहा था, मैंने चुपचाप निकाल ली। क्षमा करना प्रभु। तो रामप्रसाद ड्यूटी पर है? हाँ। मुझे दे दो चाबियां। ले लो बहु रानी, पर हुई तो ये चोरी ही। हे राम, सुनो तो, इधर से उधर, उधर से इधर। हाँ, दूसरा दरवाजा भी बंद कर दिया ना? हाँ, वो तो किया है। अपने दिल को मजबूत रखो दाइमा, हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए। आ जाओ। छावनी से कर्नल साहब ने भेजा है, कैप्टन साहब के लिए। सुनो, तुमने रिवॉल्वर से गोलियां निकाल ली है ना? जी हाँ। और पाउच से भी? जी, जैसा आपने कहा था। ठीक है, तुम बाहर रुको। बहुरानी, बहुरानी सुनो तो, सुनो, पता नहीं ऊपर क्या कर रहे हैं। मैं लिख रही हूँ दाइमा। न जाने क्या हो रहा है। हे भगवान, ये कब खत्म होगा? दाइमा जी, रामप्रसाद से कहना कर्नल साहब को दे आए। जी। और सुनो, माँ को इस बारे में कुछ मत कहना, समझी? निरुपमा। दादा। कैसी हो निरुपमा? मैं दिन भर बाहर रहा, अभी अभी लौटा हूं, तो स्थिति और बिगड़ चुकी है। हाँ दादा, इतने भयानक 24 घंटे मैंने कभी नहीं काटे। पर बात इतनी बड़ी कैसे निरुपमा? शुरुआत उन्होंने ऐसी एक अजीब बात से शुरू की, इंदु का मैं पिता नहीं हूं। क्या? फिर लैंप उठाकर मेरी तरफ फेंक दिया। सच? ये तो निरा पागलपन है। आप हमें उनकी हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ने से रोकना होगा। डॉक्टर सैन ने अस्पताल से स्ट्रेट जैकेट मंगवाया है, मैंने कर्नल साहब को भी लिख दिया है।
अब उनके हिसाब को देख रही हूं, सब कितना उलझा हुआ, कितनी लापरवाही से रखा है। कैसी ट्रेजेडी है, मुझे डर तो था कि कभी न कभी विस्फोट होगा ही। आखिर आग और बारूद कब तक साथ, ये क्या है? देखो उन्होंने क्या क्या छुपा कर रखा है। अरे ये तो तुम्हारे बचपन की गुड़िया है ना, तुम्हारा लॉकेट भी, और ये खत, ये इंदु का झुंझुना है ना, निरुपमा जो भी हो तुम्हें प्यार तो बहुत करता है, मैंने तो ऐसी चीजें कभी संभाल के नहीं रखी। बहुत प्यार कभी करते थे मुझसे, पर वक्त, वक्त बहुत कुछ बदल देता है। निरुपमा ये जो हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं? मेरा? किसी के पागल होने में मैं कैसे दोषी हो सकती हूं? अब मैं क्या बताऊं, अपना खून अपना होता है। मतलब? देखो निरुपमा तुम इस बात से इंकार नहीं कर सकती कि ये जो हो रहा है वो इंदु को अपने मन मुताबिक शिक्षा देने की तुम्हारी जिद के कारण। तुम सचमुच एक ऐसी, एक बात बताऊं, हरिनाथ मुझे हमेशा हमारे खूबसूरत उद्यान में एक जंगली घास की तरह लगा। मुझसे ऐसी बातें करते हो, उनकी पत्नी से? तुम में मुझसे ज्यादा शक्ति है निरुपमा, बहुत ज्यादा, और शक्ति का स्रोत है तुम्हारी आजादी पसंद प्रकृति। तुम कभी कोई बंधन बर्दाश्त नहीं करोगी, अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित करोगी। एक मंजे हुए चोर की तरह तुम्हें कोई साथी नहीं चाहिए, अपना विवेक भी नहीं। हिम्मत है तो जरा आईने में देखो अपने आप को, तुम में हिम्मत नहीं है निरुपमा। मैं आईना नहीं देखती। तुम्हारा हाथ देखो निरुपमा, खून का एक कतरा भी नहीं इस पे जो तुम्हारा भेद खोल सके। जहर का नामो निशान तक नहीं जो अंदर कहीं छिपा है, छोटी निष्पाप हत्या जिसे कानून छू भी नहीं सकता, अनजाने में किया हुआ गुनाह, अनजाने में निरुपमा। पर वो आदमी जो ऊपर उबल रहा है, सुन रही हो? सावधान, कहीं वहां से बाहर निकल पड़ा तो चीर कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। दादा बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम्हारे मन में किसी बात की ग्लानी है क्या? अगर लगा सकते हो तो लगाओ इल्जाम मुझ पर। नहीं लगा सकता निरुपमा। नहीं लगा सकते इसका मतलब मैं निर्दोष हूं। तुम अपना कर्तव्य करो, मैं अपना करूंगी। डॉक्टर सेन। आइए डॉक्टर। अच्छा हुआ आप आए, आप तो मेरी मदद जरूर करेंगे, वैसे करने लायक कुछ बचा नहीं है। फिर भी सुन रहे हैं ना, वहां कैसा तूफान उठा रखा है, अब तो तसल्ली हुई आपको? हिंसा हुई है इतना मुझे मालूम है, सवाल यह है कि यह विस्फोट गुस्से का है या पागलपन का? डॉक्टर, कैप्टन के किए हुए हमले को अगर नजरअंदाज भी कर दें तो भी इतना तो आप मानेंगे कि उनके दिमाग में जो विचार जाग रहे हैं उनका बदलना अब बहुत मुश्किल है। ये तो किसी के बारे में भी कहा जा सकता है, हर आदमी के दिमाग में कुछ विचार जाग सकते हैं जिन्हें बदलना मुश्किल हो सकता है। मिसेस घोष, अभी आपको तय करना है कि आप अपने पति के हिंसक बर्ताव के लिए उन्हें कैदखाने की सजा दिलवाना चाहती हैं या मेंटल हॉस्पिटल भेजकर आप उनका इलाज करवाना चाहती हैं। आप अपने पति के हिंसक बर्ताव का क्या अर्थ लगाती हैं?
मैं अभी इसका कोई जवाब नहीं दे सकती। मतलब आप तय नहीं कर पा रही हैं कि आपके परिवार के लिए क्या फायदेमंद रहेगा? आप प्रोफेसर, आप बताइए। बदनामी तो होगी ही, कुछ तय कर पाना बहुत मुश्किल है, क्यों नहीं रूपमा? देखिए, अगर उन्हें सिर्फ दंड देकर ही छुटकारा मिल गया तो फिर से हिंसा कर सकते हैं, और अगर वो कैदखाने भी जाएं तो थोड़े दिन में तो छूटकर आ ही जाएंगे। उनके लिए बेहतर यही है कि उनका सही इलाज हो, और सबका हित भी इसी में है कि मतलब फिलहाल पागल सर्टिफाई किया जाए और उन्हें इलाज के लिए भेजा जाए। दाइमा कहाँ है? आप दाइमा को बुलाइए। दाइमा, मैं कैप्टन को बातों में व्यस्त रखूंगा, और मेरा इशारा पाते ही ये स्ट्रेट जैकेट दाइमा उनको पहना दे, उससे पहले नहीं। जी बहुरानी। दाइमा जी। दाइमा हाँ? ये देख रही हैं आप, ये कोट है, इसे आपको मेरा इशारा पाते ही कैप्टन साहब को पहनाना है। हाँ? कुछ नहीं है, ये ऐसे पीछे से बंद होता है, आप आगे से पहनाइएगा, पीछे से ये इनके इनको बांध दीजिएगा, और उसके बाद उनके हाथ ऐसे करके इसकी आस्तीन में जो ये फीते हैं इनको किसी कुर्सी से या किसी चीज से बांध दीजिएगा, तो उनका हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। समझ रही हैं आप? कर सकेंगे आप? नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आप खुद क्यों नहीं करते डॉक्टर साहब? पेशेंट मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। वैसे इस काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति आप हैं, आप पर भी तो वो विश्वास नहीं करते हैं। प्रोफेसर, आप? नहीं नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा। मालकिन, खत दे आई कर्नल साहब को? जी मालकिन। अरे हाँ, रामप्रसाद, रामप्रसाद, तुम्हें मालूम है ना कैप्टन साहब की तबीयत खराब है, तुम्हें हमारी थोड़ी मदद करनी होगी। उन्हें मालूम है मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गुड, तुम्हें ये कोट उन्हें पहनाना है। नहीं नहीं, रामप्रसाद नहीं, रामप्रसाद उन्हें इस हालत में नहीं छुएगा, इससे अच्छा तो मैं खुद ही उन्हें पहना दूंगी आराम से, धीरे धीरे। रामप्रसाद तुम बाहर खड़े रहना, मैं तुम्हें। आप इसको अपने पास रखिए, और आप लोग प्लीज बाहर चलिए, मैं और प्रोफेसर यहाँ रुकते हैं। आप लोग जल्दी कीजिए, बहुत हो जाएगा, प्लीज आप लोग जल्दी कीजिए। सब यहां पर लिखा हुआ है, हर किताब में वही बात, मैं पागल नहीं था। देखो, ओडिसी बुक वन पेज 6 लाइन 215, टेलीमैकस अथीनी से कहता है, सच है कि मेरी मां यह दावा करती है कि वो जो ओडिसियस कहलाता है मेरा पिता है, लेकिन मैं निश्चिंत नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी यकीनन नहीं कह सकता कि वो किस बर्थ की पैदाइश है। और ये वो पेनेलोपी के बारे में कह रहा है, पेनेलोपी के बारे में, जो ग्रीक माइथोलॉजी में वफादारी की मिसाल मानी गई है। तो अब देखो, देखो प्रॉफेट एजिकियल ने क्या कहा, सिर्फ मूर्ख कहता है कि ये मेरे पिता हैं, कौन कह सकता है कि वो किसका बीज है? और ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ रशियन लिटरेचर, मजदूर की, एलेक्सेंडर पुष्किन, रशिया के महान कवि, ड्यूल के दौरान लगी गोली से ज्यादा इस बात की पीड़ा से मरे कि उनकी बीवी के बेवफा होने के चर्चे चारों ओर फैल रहे थे। अपने अंतिम क्षण उन्होंने कसम खाई कि उनकी बीवी निर्दोष है। गधा, बेवकूफ, इस बात पर कसम कैसे खा सकता है?
अरे शिवनाथ मेरे साले साहब, तुम भी आओ। आप लोगों ने सुना कि मैंने एक अंग्रेज औरत को क्या कहा था जो कह रही थी कि आयरिश लोग अपनी बीवियों के चेहरों पर जलते हुए लैंप फेंकते हैं? मैंने कहा उफ, कैसी औरतें होगी वो। औरतें? वो बहुत चक्की रह गई। मैंने कहा हां, जब बात यहां तक पहुंच जाए कि एक आदमी जो एक औरत को प्यार करता हो, पूछता हो, उसके बावजूद चलता हुआ लैंप लेकर उसके चेहरे पर दे मारे, तो पक्का पता हो जाना चाहिए कि उस औरत ने क्या क्या किया होगा। क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? कुछ नहीं, बस कभी कुछ पक्का पता नहीं होता, विश्वास के सहारे रहना होता है। विश्वास करो और बच जाओ, है ना? है? बस विश्वास के सहारे बच जाओ। लेकिन मुझे पता है कि विश्वास आदमी को तबाह भी कर देता है, मुझे मालूम है। कैप्टन, चुप! मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता। तुम रटे हुए तोते की तरह वही बातें दोहराओगे जो अंदर कही जाती हैं तुमसे। हाँ, वहां अंदर तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ शिवनाथ, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम ही अपने बच्चे के पिता हो? मुझे याद है कि तुम्हारे घर एक ट्यूटर रहता था जिसके बारे में लोग बातें किया करते थे, कहते थे कितनी खूबसूरत आंखें हैं उसकी। देखो देखो हरिनाथ, संभाल के बात करो। अपने बालों के नीचे हाथ फिरा कर देखो, कहीं तो छोटे छोटे सींग तो नहीं है? देखा देखा कितना पीला पड़ गया। अरे भाई अफवाह ही तो थी, पर क्या क्या बातें किया करते थे लोग है? पर हैं तो हम सब मजाक के पात्र ही, है ना शिवनाथ? हम पति, सच नहीं है डॉक्टर? और आपकी शादी की सेज, आपके घर एक फौजी अफसर आया करता था, क्या नाम था उसका? एक मिनट, हाँ, कैप्टन चाइन तो देव, यही नाम था ना? देखा कितने पीले पड़ गए। मालूम है मैं पागल हूं, लेकिन हुआ कैसे? इससे आपका कोई मतलब नहीं, दुनिया में इससे किसी का कोई सरोकार नहीं। कोई और बात करते हैं। देखो देखो मेरी बच्ची, मेरी यकीनन इंसान संतान के जरिए जिंदा रहता है, हमेशा हमेशा अमर रहना चाहता है वो, पर आप लोगों ने तो मेरी अमरता की उम्मीद ही तबाह कर दी है। मेरा विज्ञान, मेरा फलसफा क्या भला करेगा अब, जब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, जब सम्मान ही शेष नहीं, तो जी कर क्या करूं? मैंने अपना दायां हाथ, अपना आधा दिमाग और रीढ़ की हड्डी काटकर एक दूसरे तने पर कलम लगाई, ये समझकर कि ऐसे एक दूसरा बेहतरीन दरख्त बनेगा। पर होता क्या है, कोई आता है
और कुल्हाड़ी के एक बार से कलम के नीचे का तना काट देता है और मैं आधा रह जाता हूं। मेरा हाथ, मेरा दिमाग और रीढ़ की हड्डी लेकर दूसरा दरख्त फूलता है, पर मैं सूख कर खत्म हो जाता हूं क्योंकि अपने बेहतरीन अंश मैंने उसे दे दिए थे। अब मैं मरना चाहता हूं, जो मर्जी आए करो मेरे साथ, मेरा अब कोई अस्तित्व नहीं। पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी? आपने क्या किया पता है? जलता लैंप उठाकर फेंका आपने माँ पर। मैंने? हाँ, अगर वो जल जाती तो क्या फर्क पड़ता। इस तरह की बातें करेंगे तो मैं समझूंगी कि आप मेरे बाबा नहीं हो। क्या कहा? मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं? किसने कहा तुमसे? कौन है तुम्हारा बाबा? कौन? कौन बताओ, कौन? बस, आप नहीं हो। मैं नहीं, तुम्हें सब मालूम है। किसने बताया तुम्हें? पता है, इससे तुम्हारी मां का भी अपमान होता है। तुम ये नहीं समझ सकती कि अगर ये सच है कितनी शर्मनाक बात है तुम्हारी मां के लिए। आप मां के बारे में कुछ न बोलिए। सब की सब एक तरफ मिली हुई हो, सब मेरे खिलाफ हो। बाबा मत कहो मुझे बाबा। बाबा, बाबा इंदु, मेरे बेटे, तुम मेरी बच्ची हो, मेरी ही बच्ची हो। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ दिन के लिए हवा के साथ विकृत विचार आए मेरे मन में महामारी की तरह, पर अब बस। देखो, मेरी तरफ देखो, इन आंखों में मुझे अपनी आत्मा देखने दो। पर यहां उसकी भी आत्मा दिखाई देती है। तुम्हारी दो आत्माएं हैं, एक के साथ मुझे प्यार करती हो और दूसरी के साथ नफरत। बेटे, तुम्हें मुझे सिर्फ प्यार करना चाहिए। तुम्हारी सिर्फ एक ही आत्मा होनी चाहिए, वरना न तुम्हें शांति मिलेगी न मुझे। तुम्हारा सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए, मेरा विचार, एक ही इच्छा शक्ति, मेरी इच्छा शक्ति। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप जैसी रहूंगी। और मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं हूं नरभक्षक और तुम्हें खा जाना चाहता हूं। तुम्हारी मां मुझे निगलना चाही, निगल ना पाए। मैं शनि हूं जिसने अपने बच्चे खाए। न खाता
तो वो उसे ही खा जाते। खाओ या खाए जाओ, यही सवाल है। मैं तुम्हें ना खाऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगी। दिखा तो दिया ही है तुमने अपने दांत। माँ, बचाओ मुझे। कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। छोड़ दे इसे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गोलियां निकाल ली। हाँ हरिनाथ, मैंने छिपा कर रख दी थी। तुम बैठ जाओ, पहले शांत हो जाओ, फिर मैं लौटा दूंगी। हाँ हरिनाथ बेटे, याद है तुम्हें, तुम नन्हे से थे तब सोते वक्त मैं तुम्हारे साथ कैसे प्रार्थना किया करती थी। और आधी आधी रात को जाकर तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। हाँ? और फिर जब भयानक सपने देखकर तुम जाग उठते थे ना, तब मैं दिया जलाकर तुम्हें सामने बिठाकर प्यारी प्यारी कहानियां सुनाकर सुला देती थी। याद है तुम्हें, याद है ना? बोलती रहो ताई माँ। बड़ी राहत मिलती है दिमाग को, बोलते रहो। ठीक है, पर सुनना, सोना नहीं। हाँ? तुम्हें याद है एक बार तुमने नाव बनाने के लिए एक बड़ा चाकू हाथ में ले लिया था, और मैंने कैसे कहानियां सुना सुना कर उसे तुम्हारे हाथ से छुड़ा लिया था। याद है ना? कितने नादान थे तुम बचपन में। तुम्हें ऐसे लगता था कि हम सब तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें घायल कर देंगे। और मैंने तुम्हें तरह तरह की कहानियां सुनाई थी। मैंने तुम्हें बहकाया था कि ये एक सांप है, काट डालेगा। हाँ मुझे दे दो, और तुमने चाकू छोड़ दिया है ना। फिर कपड़े पसंद आए तो भी तुम्हारा वही तूफान और तहलका। फिर मैं तुम्हें तुम्हें कहती थी कि सोने का कोट तुम्हें पहनाऊंगी और तुम्हें राजकुमार सजाऊंगी। फिर मैं तुम्हारा हरा ऊनी कोट लेकर मैं कहती थी यूं हाथ डालो और दूसरा भी। हाँ, और फिर मैं तुम्हें किस तरह से राजकुमार सजाती थी। कितने खूबसूरत अच्छे लग रहे हो। हाँ, यूं। फिर मैं कहती थी कि मैं पीछे के बटन अब बंद कर देती हूँ, है ना? हाँ, यूं। और फिर यूं राजकुमार की तरह हाथ रखकर शान से चल के दिखाओ, देखो मेरा राजकुमार कैसा लगता है। बैठ जाओ, अब आराम से बैठ जाओ, और अब तुम सोने की तैयारी करो। सो जाओ बेटे, सो जाओ। क्या, कैसे सोता है माँ, कपड़े पहन कर? ये तो तुम्हें ठंड ना लगे ना, इसलिए। क्या कर दिया तुमने मुझे, अरे दुष्ट कपटी औरत। ना, कितनी चालाक निकली तुम दाइमा। ना सब तुमने मुझे बांध दिया पूरा, ताकि चाहूं तो मर भी न सकूं। हरनाथ, हरनाथ माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे हाथ से बिटिया को कुछ हो। क्यों नहीं मारने दिया मुझे उसे,
जीवन नरक है, मृत्यु ही सिर्फ स्वर्ग है और बच्चों को स्वर्ग में रहना चाहिए। तुम्हें क्या पता मृत्यु के बाद क्या होता है? अरे यही तो एक बात मालूम है और कुछ भी नहीं मालूम जीवन के बारे में। काश एहसास पहले से होता। अपने अहम को मिटा दो बेटे, अभी भी समय है, ईश्वर से दया की प्रार्थना करो। अभी से मेरी लाश पर मंडराना शुरू कर दिया पूरी किद। राम प्रसाद फेंको बाहर इस बुढ़िया को, प्रार्थना सुना सुना कर मेरा दम घोटना चाहती है। ले लो दाई माँ को। मैं ये नहीं कर सकता सर, आदमी की बात अलग है पर औरत। क्या औरत से ज्यादा ताकत नहीं है तुम्हें? लेकिन औरतों में कुछ ऐसी बात है ना सर, जो मर्द को अपना हाथ उन पर कभी उठने नहीं देती। क्या खास बात है उनमें? क्या उन्होंने अपने हाथ मुझ पर नहीं उठाए? ठीक है सर, लेकिन मैं नहीं कर सकता सर। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ ना जैसे आपने मुझे किसी पुजारी को मारने को कहा। सर ये संस्कार तो आदमी के खून ने घुला है धर्म की तरह। सर मैं नहीं कर सकता। चले जाओ चले जाओ चले जाओ जाओ। नाथ, क्या कर रहे हो नाथ? हम भले अब तुम कदा से खेलो और लपेटने दो हर क्यूलीस को तुम्हारा ऊन। आपको लगता है मैं आपकी दुश्मन हूं?